चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है जैसा था। क्या सेकंड पार्ट भी छू पाएगा ऑडियंस का दिल? क्यों आनंद से छीना गया उनका डेब्यू प्रोजेक्ट? हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉली ग्रैड स्टूडियोस। मैं हूं अंशिका वर्मा, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, और लेकर आई हूं आप सभी के लिए कुछ कुछ होता है टू से जुड़ी कई नई लेटेस्ट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो राहुल और अंजलि के फैंस हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारा ये फेवरेट बॉलीवुड कपल एक बार फिर से आएगा एक साथ नजर। आइए जानते हैं कि हमें इसके बारे में क्या पता चला है। बॉलीवुड के फेवरेट वेस्टर्न कपल की फिल्म यानी कि कुछ कुछ होता है की हो रही है वापसी, और इस फिल्म की भी वापसी करेंगे बॉलीवुड के बेहद मशहूर डायरेक्टर्स में से एक करण जौहर, जिनकी फिल्म्स हमेशा ही काफी ट्रेंडी होती है और जिनकी फिल्म्स को लेकर काफी अच्छी चॉइस है जो हमेशा ही यंग ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करती है। तो उन्हीं की डेब्यू फिल्म यानी कि कुछ कुछ होता है के बारे में हम आज करेंगे बात। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि करण जौहर की डेब्यू फिल्म कुछ कुछ होता है ही थी, और मैं आपको बता दूं कि कुछ कुछ होता है एक मास्टरपीस थी। वो एक ऐसी सुपरहिट फिल्म थी जिसने मेरे जैसे कई सारे लोगों के दिल को छुआ था। मैं आज भी इस फिल्म को उतना ही पसंद करती हूँ जितना मैंने इसे तब पसंद किया था जब मैंने इसे पहली बार देखा था, और मैं इस फिल्म को देखकर कभी भी बोर नहीं हो सकती, और शायद ही कोई ऐसा होगा जो शाहरुख खान की इस अमेजिंग फिल्म को देखकर बोर हो जाए। और करण जौहर ने तो ओपनिंग पर ही सिक्स मार दिया था। वो कहते हैं ना, जब आपकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हो तो आपका सफर तो अच्छा गुजरता ही है, और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे, और तोड़ती भी क्यों ना, बॉलीवुड के बेस्ट फ्रेंड्स जो थे इसमें। तो इन्हीं बेस्ट फ्रेंड की फिल्म का सीक्वल यानी कि कुछ कुछ होता है क्यों की कास्टिंग को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हम आपको बताते हैं। So guys, जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया था कि कुछ कुछ होता है टू की कास्ट को फाइनलाइज कर लिया गया था, जिसमें आर्यन खान, नायसा देवगन और अनन्या पांडे थे, लेकिन करण जौहर ने इस लिस्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ये तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई है जो कुछ कुछ होता है टू को वापस ला सकता है तो वो करण जौहर ही है, लेकिन करण जौहर ने पूरी लिस्ट को बदल दिया है। और इस बार जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उसमें लीडिंग एक्टर्स है आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और जानवी कपूर। तो फिल्म में अंजलि का रोल निभाएंगी आलिया भट्ट, और राहुल के रोल में नजर आएंगे रणबीर कपूर, और लास्ट में टीना का रोल जाएगा चांदनी कपूर की झोली में। लेकिन करण जौहर ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उन्हें इस सीक्वल को भी कुछ कुछ होता है की तरह ही लेजेंडरी बनाना हो, इसलिए उन्होंने बेस्ट एक्टर्स को सेलेक्ट किया है, लेकिन हम इस पर अभी भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।